नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी अपनी बुआ के लड़के संग फरार हो गई थी। किशोरी के पिता ने शक के आधार पर गांव के एक स्नातक छात्र पर किशोरी को भगा ले जाने की तैयारी दे दी। बेहटा पुलिस ने बिना जाँच के बेगुनाह छात्र को 3 दिन तक एक कमरे में बंधक बनाए रखा। आरोप है कि मोटी रकम लेने के बाद भी बेहटा पुलिस ने छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। किशोरी की बरामदगी के बाद छात्र ने पुलिस कप्तान को तहरीर देकर बेहटा पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई है। गांव निवासी दलित जाति का अरविंद कुमार पुत्र रामपाल गौतम क्षेत्र के राधा कृष्ण महाविद्यालय में बीए प्रथम का छात्र है। पिता एक हाथ और एक पैर से विकलांग है, इसलिए आर्थिक तंगी के कारण छात्र अरविंद मजदूरी कर परिजनों का पेट पालता है और साथ ही पढ़ाई भी करता है। अरविंद कुमार के मुताबिक गत 12 फरवरी को गाँव से एक 17 वर्षीय किशोरी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। किशोरी के परिजन ने अरविंद कुमार को नामजद करते हुए बेहटा थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर अगले दिन 13 फरवरी को बेहटा थाने के दरोगा रोहित पांडे अरविंद के घर पहुंचे और उसकी मां से अरविंद के संबंध में पूछा। मां ने बताया कि अरविंद हरदोई जनपद के कस्बा माधोगंज स्थित अपनी बहन के घर गया है। दरोगा ने मां से अरविंद का मोबाइल नंबर लिया और फोन कर तुरंत थाने बुलाया। दरोगा के बुलावे पर अरविंद थाने पहुंच गया। थाने पहुंचने पर दरोगा ने अरविंद से फरार किशोरी के संबंध में जानकारी की। अनजान अरविंद सकपका गया और इस तरह की किसी भी घटना की जानकारी होने से इनकार किया। इसके बाद दारोगा पांडे ने अपने निजी कमरे में अरविंद को 3 दिन बंद रखा। 3 दिन उत्पीड़न करने के बाद छोड़ने के एवज में दारोगा ने 50,000 रुपये की मांग की। जेल जाने के डर से अरविंद की मां ने जेवर बेचकर बमुश्किल 35,000 जुटाए और आरिफ नामक व्यक्ति के हाथों में दारोगा पांडे को घूस की रकम देने के बाद दारोगा ने अरविंद को आरिफ के सुपुर्द कर दिया और हिदायत दी कि 15 दिन तक गाँव छोड़कर कहीं नहीं जाना। 21 फरवरी से अरविंद की परीक्षा थी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अरविंद ने दरोगा से इजाजत मांगी। इस पर दरोगा ने अरविंद को जाति सूचक गालियां दी और जेल भेजने की धमकी दी, जिससे उसकी परीक्षा भी छूट गई। दरोगा ने किशोरी को खोजने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि 28 फरवरी को छात्र अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तत्पश्चात फरार किशोरी वापस घर लौट आई। आपको बताते चले कि वे अपनी बुआ के लड़के संग गई थी। बेहटा पुलिस ने किशोरी को अदालत के समक्ष पेश किया। अदालत में किशोरी के बयान के आधार पर अरविंद पुलिस के चंगल से छूट सका। अरविंद ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर शारीरिक, आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न करने वाले दरोगा रोहित पांडे के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई है। रिपोर्ट जमीर खान। क्या मामला है आपका? मामला लड़की चली गई थी, उसी में दरोगा साहब ने उनसे 3 दिन में थाने में बैठा रहे रखा और कहा कि कुछ व्यवस्था करो वरना तुमको जेल भेज देंगे। लड़की भाग गई थी। किसके साथ भागी थी? वो बुआ के लड़के साथ भाग गई थी और फंसा मुझे दिया। कहाँ का मामला ये? रूड़ी सादीपुर थाना बेहटा मुजावर। जी, कौन से दरोगे ने पैसे लिए? रोहित कुमार पांडे ने। क्यों लिए पैसे? कि आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। जेल नहीं जाना पड़ेगा तो मुकदमा हुआ नहीं हुआ अभी तक? करवा दिया था, कह रहे थे करवा दी। जब लड़की वहाँ से आई हो तो बयान करके चली गई और बेफजूल का मुकदमा हम पे लगवा दिया और बयान करके चली गई। तो आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं जी, कप्तान साहब के ऑफिस में। कप्तान साहब ने आप लोग क्या आश्वासन दिया? भैया आपकी हेल्प होगी, बस मतलब आप जानकारी होगी तो बताया। ये बताया गया, कुछ और कुछ नहीं बताएं? और कुछ नहीं बताया। चलिए ठीक है, खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।